दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार चौहान के बाद अब दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद लोकायुक्त की रिपोर्ट के शिकंजे में फंसती नजर आ रही है। दिल्ली के लोकायुक्त जस्टिस मनमोहन सरीन ने शीला सरकार की शिकायत राष्ट्रपति से चिट्ठी लिखकर की। सीएम शीला दीक्षित ने चुनावों से कुछ समय पहले राजीव रत्न आवास योजना नाम की एक स्कीम लॉन्च की थी। इस मामले में याचिकाकर्ता सुनीता भारद्वाज ने आरटीआई डाली तो पता चला कि सरकार की तरफ से काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई जमीन अधिग्रहण नहीं किया गया था। इस केस को जब लोकायुक्त के सामने लाया गया और जांच की गई तो पाया गया कि चुनावी लाभ के लिए यह स्कीम लॉन्च की गई थी। लोकायुक्त ने राष्ट्रपति को भेजी चिट्ठी में कहा कि चुनावों के समय लोगों को गुमराह करके उनका इस्तेमाल किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि उन्होंने किसी को गुमराह नहीं किया, फ्लैट तैयार हैं, इन्हें बांटने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, ये प्रक्रिया अभी चल रही है। के एप्लीकेशन फॉर्म में आप अप्लाई करो तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा था और एक गरीब जो गरीब वर्कर होता है या जो भी अर्बन पुअर है तो वो इतना एनालिसिस नहीं कर सकता है कि वो तो यही मानेगा कि चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि 60,000 फ्लैट तैयार हैं तो तैयार हैं। पूरी इंक्वायरी में ये पाया गया कि हाँ जी इन्होंने गलत ये एडवर्टाइजमेंट इशू किया, ये गरीब लोगों को हम छत देने को तैयार हैं ऐसे गलत गलत एडवर्टाइजमेंट इशू किए गए और उसको यहाँ ये गवर्नमेंट ने डिफेंड भी किया कि नहीं जी ये गलत नहीं है, हमने ऐसा ऐसे कहा था वैसे कहा था, हमारे वो क्लॉज पढ़ी है ये क्लॉज पढ़ी है। आई डोंट नो व्हाट यू सेड, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, आई एम सॉरी। आपके पास आई होगी, मेरे पास जब तक नहीं आती है। प्लीज हाउ कैन यू से दैट, हाउ कैन यू से दैट गुमराह किया? दे आर रेडी, दे आर स्टिल रेडी, बट प्लीज कोई गुमराह नहीं किसी को कर रहा है। वो 7,000 फ्लैट किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, बट जैसे मैंने कहा एक प्रोसीजर जो है जो जस्ट हो सबके लिए, जो जो हमारा लक्ष्य है वो भी प्राप्ति हो जाए, मकान भी हम दे सके, जे एन यू आर एम के देन भी, इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ बोलना चाहती। कॉमनवेल्थ गेम्स में हुई गड़बड़ियों की जांच में अब दिल्ली सरकार घिरती नजर आ रही है। आज मुख्यमंत्री